नॉक्स या फिर रुकेंगे, बट नियो वहां पर रुकते हुए नजर आएंगे एंड एक्स सेवन वुल्व्स वर्सेस टीम गॉड लाइक की ये फाइट हमें देखने को मिल जाएगी। नियो सबसे पहले आगे जाएंगे, वो पहला नॉक निकालेंगे, डबल बैरल शॉटगन का ये एक्शन। टीम गॉड लाइक अभी के लिए उनके पास मैन एडवांटेज रहने वाला है, फिनिश फीड उन्होंने जरूर से दो ही खिलाड़ी, लेकिन व्हीकल लेके सीधे रूफटॉप के ऊपर चढ़ते हुए नजर आएंगे जोनाथन एंड एस पावर, दो एमवीपीस। देखना अब ये है कि एक्स सेवन क्या वो रेडी है इस रश के लिए। X7, Godlike, दोनों ही काफी ज़्यादा strong team है, जानी जाती है अपने aggression के लिए। X7 का run is looking very fantastic. Triples use हुए and Jonathan के अपने teammate के knock, nade में knock हुए। Z-God का वहाँ पे grenade जाएगा, Neo को down किया जाएगा, Z-God भी वहाँ पे down होते हुए नजर आएंगे और अब जो situation है वो even Steven देखने को मिलेगी। Yes, power, he's down as well. Jonathan is the last man standing, but Winter को वहाँ पे down किया जाएगा। Nevin versus Jonathan, एक 1v1 की fight बचती है, मुश्किलें बढ़ जरूर सकती है। रिवाइवल देना पड़ेगा, अगर हम बात करें नेविन की, वो ऑलरेडी रिवाइवल वहां पर देते हुए नजर आएंगे। वो ग्रेनेड Z-God का, मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ये एक वो आखिरी मुकाबला हो सकता है जहां पर हम टीम गॉडलाइक के कमबैक की बात कर रहे हो, पर जोनाथन उन्होंने वो रिवाइवल नहीं दिया। X7 की बात करें, अब जो प्लेयर्स हैं वो भूखे शेरों की तरह जोनाथन को ढूंढते हुए नजर आएंगे। ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी, Z-God को वहां पर रिवाइवल दिया जाएगा, बट X7 के खिलाड़ी वो नीचे उतरे जरूर से और अभी भी एक 1v2 का वो सिनेरियो रहने वाला है। जोनाथन एक बार फिर तो उनको वो MVP रोल निभाना पड़ेगा, एक प्लेयर को वो डाउन करेंगे, मात्र एक 1v1 की सिचुएशन, बट जोनाथन ही क्लचेस इट आउट, ही डज इट वंस अगेन एंड टीम गॉडलाइक दे आर स्टिल सर्वाइविंग। दो खिलाड़ी जो नॉक्ड आउट है, रिवाइवल काफी आसानी से उनको मिल जाएगा।